स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एक ऐसे फंड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसके अंदर अगर आप एक मुश्त पैसा जमा करके छोड़ देते हैं तो ये फंड आपको मंथली इनकम प्रोवाइड कराता है। इस स्कीम की खास बात ये है कि जब से ये शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इसने 17% से भी ज़्यादा के रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम इसके पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में भी इस स्कीम ने 14.96% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 16.48% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 साल में भी 9.12% के रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ एक स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर ना सिर्फ आपको मंथली इनकम मिलती है एक मुश्त पैसा जमा करने पर, बल्कि आपको आपके पैसे में भी वृद्धि देखने को मिलती है। वैसे तो मंथली इनकम स्कीम आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी है, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दो सबसे मेजर प्रॉब्लम है। पहली कि आप लिमिटेड पैसा ही उन स्कीम्स के अंदर जमा कर सकते हैं, और दूसरा फिक्स्ड ईयर के लिए यानी 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है जिसके तहत आपको 5 साल तक अपने पैसे को बाउंड करके रखना पड़ता है, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। दोनों ही बातें यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी बात आप अगर चाहें तो 1 साल के लिए भी इस प्लान को चला सकते हैं, 3 साल के लिए भी चला सकते हैं, 10 साल के लिए भी चला सकते हैं, जितने समय के लिए आप चाहें उतने समय के लिए चला सकते हैं। और सबसे मेजर डिफरेंस जो है, जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको सेम अमाउंट अगर आप मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं और सेम अमाउंट आप यहाँ पर जमा करते हैं तो आपको मंथली इनकम भी ज़्यादा जनरेट होती है और मैच्योरिटी पर भी आपको पैसा बढ़कर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की, तो वहाँ पर आप जो भी पैसा जमा करेंगे मिनिमम आप वहाँ पर 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस के अंदर आप 1% 4.5 लाख रुपये जमा कर सकता है। अगर आप डबल जॉइंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो फिर आप 9 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। तो 9 लाख रुपये अगर आप जमा कर देते हैं तो अगले 5 साल तक आपको 4950 रुपये मिलते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस फंड के बारे में बात करें जो ओवरऑल 17% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा रहा है, अगर ये आगे आने वाले टाइम में हमें मान लीजिए 15% के रिटर्न भी प्रोवाइड करा देता है या 14% के रिटर्न्स भी हमें प्रोवाइड करा देता है और 9 लाख रुपए हम इस फंड के अंदर जमा कर देते हैं, तो 9 लाख रुपए जमा करने पर हमें मंथली पे आउट वहाँ पर कितना मिल रहा है, 4950 रुपये। लेकिन अगर हम इसके अंदर दोस्तों 6,000 रुपये का मंथली पे आउट लगा देते हैं तो 6,000 रुपये का मंथली पे आउट और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न वो 14% का कर रहे हैं, तो 14% के हिसाब से 6,000 रुपये प्रति मंथ इनकम और 9 लाख रुपये का एक साथ इन्वेस्टमेंट, तो 5 साल के बाद में अगर हम देखें तो हमारा जो पैसा है 9 लाख रुपये से बढ़कर 12,27,000 रुपये हो जाएगा और 3,60,000 रुपये का हम विड्रोवल भी कर चुके होंगे। जबकि दोस्तों सेम अमाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा करने पर हमें सिर्फ और सिर्फ 4950 रुपये का ही बेनिफिट हो रहा था। अब दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्कीम के अंदर 9 लाख रुपये जमा करते हैं या आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं या 5 लाख रुपये जमा करते हैं। मिनिमम आप 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर टाइम का भी दोस्तों आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अगर चाहें तो 1 साल के लिए भी इस प्रोसेस को चला सकते हैं, 10 साल के लिए भी चला सकते हैं और 20 साल के लिए भी चला सकते हैं। दोस्तों जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं ये है मेरे एसेट का एक बेहतरीन फंड जिसका नाम है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। इस फंड के अंदर आपको तीनों तरह के इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी मिलती है। पहला, आप मंथली बेसिस पर SIP भी कर सकते हैं। दूसरा, आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ भी सकते हैं। और तीसरा, जो मंथली इनकम हम सेट करते हैं, मान लीजिए हमने लमसम पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब हमें दोस्तों एक मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए एक इनकम की ज़रूरत होती है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मुश्त पैसा जमा करना होता है और उसमें से आपको पे आउट लगाना होता है। अब दोस्तों पे आउट लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पे आउट है वो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 0.7 या 0.8% ही होना चाहिए। यानी अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 700 रुपये पर मंथ का ही विड्रोवल लगाना है या मैक्सिमम 800 रुपये का ही विड्रोवल आपको लगाना है। उससे क्या होगा, जो भी पैसा आप जमा करेंगे आपका जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेफ रहेगा,
किसी भी तरह का कोई भी रिस्क आपके कैपिटल पर नहीं आएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो फंड दोस्तों 17% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा रहा है, अगर वो फंड आपको 10-11% या 12% के रिटर्न भी दे देता है आगे आने वाले टाइम में, तो भी आपके फंड पर किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता और आपको मंथली इनकम भी ज़्यादा जनरेट होती रहती है। अब मिनिमम आप 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को म्यूचुअल फंड के अंदर SWP कहा जाता है, यानी सिस्टमेटिक विड्रोवल प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप मंथली बेसिस पर पैसा जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिल जाता है जितने समय के लिए भी आप इन्वेस्टेड रहते हैं। वहीं सिस्टमेटिक विड्रोवल प्लान के तहत यानी SWP के तहत आप एक बार मुश्त पैसा जमा करते हैं और आपको मंथली इनकम इसके तहत दोस्तों होती रहती है। अब इसके अंदर दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन करके देखें, उससे पहले मैं आपको इस फंड के बारे में थोड़ी और जानकारी बता देता हूं। इस फंड की जो NAV है वो 80 रुपये है और 4 इसकी रेटिंग है आउट ऑफ 5। मिनिमम आप इसके अंदर, जैसे मैंने बताया है, मंथली बेसिस पर अगर SIP करना चाहते हैं तो 1000 रुपये की कर सकते हैं और SWP के लिए आप मिनिमम 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका फंड साइज 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। अब दोस्तों अगर आप मान लीजिए इसके अंदर 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और 1,00,000 रुपये पर आप मैक्सिमम आपको कितना पे आउट लगाना है, 700 रुपीज़ का, और ये फंड अगर आगे आने वाले टाइम में आपको 14% के रिटर्न भी देता रहता है, तो अगर हम एक साल के बाद के सिनेरियो की बात करें तो 1 साल बाद जो आपका 1,00,000 रुपये है वो 1,00,000 से बढ़कर 1,05,074 रुपये हो जाएगा और 8,400 रुपये का आप विड्रोवल भी निकाल चुके होंगे। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम मान लीजिए 10 साल तक चलाते हैं तो 10 साल के बाद में हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 1,98,000 रुपये हो जाएगा और 84,000 रुपये का हम विड्रोवल भी कर चुके होंगे। अब इसी तरह से दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि हम इसके अंदर दोस्तों कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे इस सारे प्रोसेस को करते हैं। अब इसके दोस्तों कई सारे ऑप्शन हैं, या तो आप किसी एजेंट की हेल्प लेकर भी इस सारे प्रोसेस को कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और उसके बाद में आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास में होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट आप ज़ीरोधा या ग्रो के अंदर ओपन कर सकते हैं, दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका फंड जो भी ग्रो करेगा उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, यानी किसी भी तरह का कोई भी कमीशन उससे डिडक्ट नहीं होगा। ज़ीरोधा या ग्रो किसी भी तरह का कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं फॉर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ तक है कि ग्रो के अंदर तो आप अपना अकाउंट भी फ्री में ओपन कर सकते हैं, जबकि ज़ीरोधा के अंदर आपको 250 रुपीज़ प्लस GST देने होते हैं। आपके पास में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक नेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। इन तीनों को मिलाकर ही आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर। दोनों ही के ग्रो और ज़ीरोधा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए। आप अगर चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप एजेंट की भी हेल्प ले सकते हैं, या आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।